फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कि चेहरे के अनचाहे बालों से क्या आप भी बहुत ज्यादा परेशान हैं? आप बार बार वैक्सिंग थ्रेडिंग कराते हैं और आपकी हेयर ग्रोथ दोबारा बढ़ के और ज्यादा वापस आती है। तो ये ग्रोथ जो होती है आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है। इनको रिमूव करने के लिए आप पार्लर जाकर वैक्सिंग थ्रेडिंग तरह तरह के ट्रीटमेंट्स का सहारा लेते हैं, जिससे रिजल्ट क्या मिलता है, आपकी हेयर ग्रोथ और डबल होकर बाहर आती है। कुछ लोगों की स्किन तो इतनी ज्यादा सेंसिटिव होती है फ्रेंड्स की उनकी स्किन पर दाने, रैशेज और कुछ लोगों की स्किन तो काली टैन भी होने लगती है। सो फ्रेंड्स, आज जो होम रेमेडी मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, इस रेमेडी के इस्तेमाल से फ्रेंड्स आपके अनवांटेड हेयर तो दूर होंगे ही, साथ ही इस रेमेडी जो है एकदम नेचुरल हर्बल है, आपकी स्किन पर किसी तरीके का साइड इफेक्ट भी नहीं छोड़ने वाली है। आज की ये रेमेडी आपके मिनटों में अनवांटेड हेयर को रिमूव करेगी, साथ ही स्किन को व्हाइट एंड काफी ज्यादा ब्राइटन अप करने वाली है। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो अपने फेशियल हेयर से बहुत ज्यादा परेशान है। सो फ्रेंड्स, पूरी प्रोसेस को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आप इसे अच्छे रिजल्ट ले सकेंगे। फ्रेंड्स, बीच में आप वीडियो को स्किप कर देते हैं या फिर वीडियो को छोड़ देते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो आपके फिर कमेंट्स आते हैं कि इस रेमेडी ने तो काम किया ही नहीं। सो ऐसा नहीं है, प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड साथ ही वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आज का ये वीडियो आपको जरा सा भी हेल्पफुल एंड यूजफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो बिना देरी करते चलिए आइए फटाफट से अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस होम रेमेडी को बनाने के लिए मैंने यहाँ सबसे पहले लिया है एक क्लीन बाउल। उसमें फ्रेंड्स आधा चम्मच के करीब मैं ऐड करूँगी बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा कहते हैं, जो खाने में यूज़ होता है। साथ में फ्रेंड्स इसमें मैं 4 to 5 ड्रॉप्स के करीब ऐड कर दूँगी लेमन जूस, और आप देखेंगे कि सोडा एंड लेमन जूस मिलकर एक्टिवेट हो जाएगा। सो उसके बाद आप इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। लेमन में विटामिन सी पाया जाता है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि स्किन को डीपली क्लीन करता है। यदि आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है वैक्सिंग करा करा के पार्लर जाकर, तो उसे भी ये रिमूव करके स्किन के कॉम्प्लेक्शन को भी ब्राइटन अप करता है। एंड बेकिंग सोडा जो है स्किन को डीपली क्लीन करने के बहुत अच्छे से काम आती है, एक नेचुरल क्लींजर की तरह ही हमारी स्किन पर काम करती है। इसके साथ ही फ्रेंड्स इसमें मैंने थोड़ा सा ऐड किया एलोवेरा जेल एंड कोकोनट ऑयल, तो ये दोनों हमारी स्किन को नॉरिश एंड पॉलिश करने का बहुत अच्छे से काम करते हैं, स्किन पर हाइड्रेशन देते हैं। बेकिंग सोडा अगर यदि आपको स्किन पर बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, आपको सेंसेशन होता है, हल्की जलन होती है, तो इसमें आप जो है बेकिंग सोडा की मात्रा कम एंड एलोवेरा की मात्रा ज़्यादा बढ़ा देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ में फ्रेंड्स इसमें हम चुटकी भर ऐड करेंगे फिटकरी का पाउडर यानी कि एलम पाउडर, और आधा चम्मच के करीब इसमें मैंने ऐड किया है वाइट कोलगेट। इन सारी चीज़ों को फ्रेंड्स हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फेंट लेंगे, एक स्मूथ सी क्रीम बन के ये रेडी होगी। इस फेशियल हेयर रिमूवल क्रीम के आगे आप मार्केट वाली जो क्रीम्स आती हैं उसको तो एकदम भूल ही जाएंगे, क्योंकि ये क्रीम होम मेड क्रीम आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाली है। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो गई हैं, एकदम सा क्रीमी सा टेक्सचर बन के इस रेमेडी का तैयार होगा। ये क्रीम आपकी स्किन पर से टैनिंग को रिमूव करेगी, अनवांटेड हेयर की रूट्स को वीक करेगी, ऊपर से हेयर को इतना ज़्यादा सॉफ्ट बना देगी कि जिसकी वजह से आसानी से आपका अनवांटेड हेयर बाहर आ जाएगा। तो रेमेडी बनके तैयार है, स्किन पर भी अप्लाई करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से यूज़ करेंगे अनवांटेड हेयर सो दैट रिमूव हो जाए। तो उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको अपने अपर लिप्स और कानों के आसपास वाले जो एरिए पे जो हल्के हल्के रोए आ जाते हैं उसको रिमूव करके दिखाने वाली हूँ। तो जब आप इस रेमेडी को अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे तो स्किन को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, स्किन को क्लीन कर लीजिएगा, स्किन पर किसी भी तरीके की धूल, मिट्टी, पॉल्यूशन, मेकअप, मॉइस्चराइजर कुछ भी नहीं होना चाहिए, स्किन एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। उसके बाद ही आप इस रेमेडी को अपने अनवांटेड हेयर के ऊपर अप्लाई करेंगे। एक चीज़ और बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, यदि आप इसे एज अ ग्लोइंग पैक की तरह यूज़ कर रहे हैं तो उसमें से बेकिंग सोडा की मात्रा आप बिल्कुल शून्य कर देंगे और कोलगेट मटर के दाने जितना आप यूज़ करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ मैंने इसे जो है अपनी स्किन को एक वेट वाइप से बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। अपर लिप्स वाले एरिए पर इस फेशियल हेयर रिमूवल होममेड जो क्रीम बनाई है इसको मैं अच्छे से एक थिक लेयर के साथ अप्लाई करूंगी, थोड़ा थोड़ा लगाते हुए स्प्रेड करना है। जहाँ पे भी आपको हेयर्स की बहुत ज़्यादा परेशानी है वहाँ पर आप इसे हल्के हाथों से लगाते जाएंगे एंड मसाज करते जाएंगे। इससे क्या होगा, मसाज करने से जो हेयर है ऊपर से सॉफ्ट होता आपको नज़र आने वाला है। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको बताया ये रेमेडी आपके दाग धब्बों को भी लाइटन अप करती है, कलर कॉम्प्लेक्शन को भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइटन अप करती है, स्किन पर से होने वाली धूल, मिट्टी, पॉल्यूशन अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा है, टैनिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसको भी ये स्किन को डीपली क्लीन करती है, स्किन टेक्सचर को भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बना देती है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने इस रेमेडी को स्किन पर लगाया, जहाँ जहाँ हेयर्स की आपको प्रॉब्लम है आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो पूरे फेस पर भी लगा सकते हैं। बस पूरे फेस पर लगाने से पहले एक बार पैच स्ट्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ मैंने इसे अपनी स्किन पर लगाया, 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे अपनी स्किन पर सिर्फ छोड़ेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ये रेमेडी आप देखेंगे हल्की सी ड्राई होगी क्योंकि इसमें ऑयल है, तो ये ऑलमोस्ट ड्राई नहीं होने वाली है। तो
उसके बाद आप फिंगर की हेल्प से जहाँ पर आपने इस रेमेडी को अप्लाई किया है वहाँ सर्कुलर मोशन मसाज करेंगे, जिससे कि फ्रेंड्स आपका ऊपर का जो रोया है वो तो सॉफ्ट हो जाता है। एंड इस तरीके से मसाज करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो अनवांटेड हेयर की रूट्स हैं वो वीक होने लगेंगी, क्योंकि इसमें हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी कि कोलगेट ऐड किया है, साथ में हमने इस रेमेडी में फिटकरी यूज़ किया है। ठीक है, तो इस तरीके से मसाज करने के बाद फ्रेंड्स आप कोई भी कॉटन वाइप लेंगे एंड उसको अपवर्ड डायरेक्शन में हेयर की आप इस तरीके से रब करते हुए हल्के से प्रेशर के साथ जब रिमूव करेंगे तो आप देखेंगे आपका अनवांटेड हेयर जो निकल के बाहर आ जाएगा, यानी कि आपका फेशियल हेयर जो भी रोया है वो ईजिली निकल जाएगा। फ्रेंड्स मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वन टाइम के एप्लीकेशन से आपको बहुत ही ज़्यादा एकदम मैजिक होने वाला है। फ्रेंड्स ये एक नेचुरल होम रेमेडी है, इसमें हमने किसी तरीके का केमिकल ऐड नहीं किया है, तो हो सकता है कि एक दो बार के एप्लीकेशन में आपको अच्छे रिजल्ट मिले एंड वन टाइम के एप्लीकेशन में आपको एकदम वैसे रिजल्ट इंस्टेंट वाले ना मिले। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा कहने का मतलब ये नेचुरल चीज़ें स्लो वर्क करती हैं पर इनके जो रिजल्ट होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग। हमने इसमें किसी भी तरीके का केमिकल ऐड नहीं किया है तो ये हमारी स्किन को भी ख़राब नहीं करेगा, इवन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। स्किन को डीपली क्लीन करके आपके अनवांटेड हेयर को भी स्किन पर से रिमूव करेगा। सो फ्रेंड्स यहाँ मैंने अपनी स्किन को अच्छे से वॉश कर लिया है नॉर्मल पानी से, उसके बाद स्किन को अच्छे से ड्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स हल्का फुल्का जो रोया होता है वो तो वन टाइम के एप्लीकेशन से ही रिमूव हो जाता है, लेकिन जो कड़ा रोया होता है जिसे हमने वैक्सिंग या फिर रेजर वगैरह के थ्रू बहुत मोटा कर लिया है तो उसको रिमूव होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अपने फेस को वॉश किया, ड्राई किया, उसके बाद आप अपने किसी भी फेवरेट मॉइस्चराइजर से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि इस रेमेडी के एप्लीकेशन के बाद आपकी स्किन आपको थोड़ा सा हो सकता है ड्राई फील हो, तो उसके लिए आपको स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज जरूर करना है। इससे आपके पोर्स भी मिनिमाइज होंगे एंड आपके जो अनवांटेड हेयर ग्रोथ है वो भी धीरे धीरे आप देखेंगे स्लो डाउन होगी। तो इस तरीके से आप इस रेमेडी को बनाएंगे, यूज़ करेंगे, स्किन केयर करेंगे रेमेडी को रिमूव करने के बाद, तो फ्रेंड्स आपकी स्किन भी हेल्दी बनी रहेगी, आपके अनवांटेड हेयर दोबारा वापस नहीं आएंगे एंड आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लो भी करेगी। तो मुझे तो इस रेमेडी से फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले, तभी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। सो आप भी इसे जरूर ट्राई करिएगा। तो इसको बनाने में खर्चा भी आपका एकदम ना के बराबर आया। सो डू ट्राई दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आज की रेमेडी आप सभी को पसंद आई होगी। सो आप भी इसे जरूर ट्राई करिएगा, रिजल्ट कैसे मिले प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड साथ ही कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो को किस शहर से वॉच करें ताकि मैं भी जान पाऊँ कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच पा रही है। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए या फिर आज आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, इस तरीके की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में भी जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके एंड आप मेरी वीडियो वॉच कर सके। सो फ्रेंड्स मैं विभा इस वीडियो को अब यही करने जा रही हूं एंड जल्दी मिलती हूं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।